अनुनादी परिपथ के बाद अब हम चलते हैं चौक कुंडली की ओर। चौक कुंडली क्या है इसे समझे पहले। चौक कुंडली देखी, ट्यूबलाइट में लगी रहती, बीच में एक डिब्बी सी, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। चौक कुंडली, चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो बिना विद्युत ऊर्जा क्षय के, फिर से सुने ध्यान से, चौक कुंडली वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग की जाती। पहली चीज तो डीसी पे यूज नहीं होती ये, केवल किस में होती? एसी पर। यानी जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी है वो केवल एसी पर चलेगी, डीसी पर नहीं चलेगी जब तक उसमें चौक लगी। अगर चौक हटा दें तो डायरेक्ट बैटरी से चल जाएगी, लेकिन बिना चौक के, मीन्स चौक जो कुंडली है उसमें लगी है, जो बीच में ट्यूबलाइट के बीच में एक डिब्बी सी लगी रहती है, चौकोर सी, उसकी हम बात कर रहे हैं। चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो बिना प्रत्यावर्ती धारा के क्षय के विद्युत धारा की प्रबलता को क्या कर सकती है? बदल सकती है। क्या कहा? फिर से रिपीट करें, वह कुंडली, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा की ऊर्जा क्षय के बिना, प्रत्यावर्ती धारा की हानि नहीं करेगी लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को क्या कर देगी? बदल सकती है, चौक कुंडली कहलाती है। वह युक्ति जो बिना प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा क्षय के, बिना प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को क्या कर सकती है? बदल सकती है, चौक कुंडली कहलाती है। चौक कुंडली स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है। स्वप्रेरण हमने पीछे पढ़ा, एक ही कुंडली होती थी, धारा प्रवाहित करते थे, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता था जिससे उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती थी और हम उसकी धारा के मान को बदल लेते, तो वही घटना पर आधारित है। तो इसमें भी एक ही कुंडली होनी है, कुंडली समझ रहे हो? तांबे के तारे को हम लपेटेंगे और एक कुंडली बनाएंगे पृथक से, एक ही कुंडली होने वाली है। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किन बातों का, उसे समझें। चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो बिना प्रत्यावर्ती धारा क्षय के, बिना प्रत्यावर्ती धारा क्षय के, बिना प्रत्यावर्ती धारा क्षय के धारा की प्रबलता को बदल देती है। क्या कहलाती है? चौक। किस घटना पर आधारित है? स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है। किस पे आधारित है? स्वप्रेरण गुणांक की या स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है। जब स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है तो इसमें एक क्या होगी? कुंडली होगी, एक ही कॉइल होगी, दो कॉइल नहीं होगी। ट्रांसफार्मर पढ़ाने वाले हैं, उसमें हम प्रत्यावर्ती धारा के विभांतर को बदलने वाले हैं, लेकिन वो अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, पेपर में पूछा जाता स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उसकी किसी एक उपकरण के, चौक कुंडली जैसे है उसका स्वप्रेरण, उसको वर्णन कीजिए। तो चौक कुंडली के बारे में बताएं, अन्योन प्रेरण क्या है उस पर आधारित किसी यंत्र का वर्णन कीजिए। अब अन्योन प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर है तो हमें वहां पर किसका वर्णन करना है? ट्रांसफार्मर। तो चौक कुंडली को जाने पहले, प्रत्यावर्ती धारा के क्षय के बिना, प्रत्यावर्ती धारा बिना प्रत्यावर्ती धारा क्षय के धारा की प्रबलता को क्या कर सकती है? ये बदल सकती है। अगर प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बदलना है और ऊर्जा की हानि नहीं करनी है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? चौक कुंडली लगानी होगी। तो ट्यूबलाइट में हम लगाते हैं चौक कुंडली, वो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बदल देती है जिससे अलग प्रकार की चमक हमें प्राप्त होती है। अब उसका ट्रेंड चला गया क्योंकि हम LED पे आ गए और आगे बढ़ती जाएंगी स्थितियाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तब जन। स्वप्रेरण की घटना, अब इसकी रचना समझें। इसमें एक तांबे के तार की कुंडली होती है, यह है कुंडली है तांबे के तार की। अब इस तार की विशेषता है, तांबे का तार विशेषता समझो, कैसा तार होगा? मोटा। एक फेरे जो होंगे
अधिक होंगे। दो बातें विशेष ध्यान रखनी, मोटा ताल होने से आर का मान कम हो जाएगा, फेरे अधिक होने से एल का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मांड में ऐसा तार नहीं है जिसका पेत्वो जीरो हो, हमें एल बनाना बस कुंडली बनानी केवल, और कुंडली अकेली हम बना नहीं सकते, तार से ही बनाओगे और तार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बड़ा होगा तो निश्चित है इसमें ऊर्जा की क्या होगी, हानि, और हमें प्रतिरोध कम करना है ऊर्जा की हानि ना हो और हम विभवांतर को बदल लें, प्रबलता को बदल लें उसकी, तो प्रतिरोध कम करना है, प्रतिरोध कम करने के लिए हमारे पास शर्त है तांबे का कौन सा ताल लेना चाहिए, हमें मोटा ताल लेना होगा तो हमने तांबे का मोटा ताल लिया। फेरे क्या रखे इस पे, अधिक रखे, फेरे क्या रखे अधिक, इसको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा हमने और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ के बल्ब लगा दिया, इससे इस बल्ब का चमक में परिवर्तन आ जाए, बढ़ाया और घटाया जा सके। अब इसको प्रेरकत्व एल और अधिक करना, एल और अधिक करने के लिए क्या किया, इसे एक नर्म लोहे की क्रॉड में, नर्म लोहे की क्रॉड, क्रॉड समझते हो, क्रॉड मतलब हमने पीछे पढ़ाया, क्रॉड मतलब क्रॉड लोहे की पत्तियां, लोहे की पत्तियों से मिलकर बनती है, कौन से लोहे की, नर्म लोहे की पत्तियां, ये क्रॉड है, नर्म लोहे की क्रॉड, क्रॉड माने छड़, पत्तियों से मिला के एक पत्ती उसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, इसमें क्या किया, एक पत्ती को लोहे में डुबा के सुखा, बारनिश में डुबा के सुखा लिया, अलग अलग होती, अगर ये पूरी लोहे की छड़ होती तो इसमें कौन सी धारा उठ जाती, भंवर धारा, ऊर्जा की क्या होती, हानि। हमारी शर्त पहली है प्रत्यावर्ती धारा के छह के बिना, प्रत्यावर्ती धारा का छह नहीं है, ऊर्जा की हानि कम से कम करनी है, जब ऊर्जा की हानि कम से कम करनी तो भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, भंवर धाराएं अगर हम लोहे की छड़ ले लेते तो भंवर धारा प्रबल हो जाती, भंवर धारा प्रबल हो जाती तो ऊर्जा की क्या होती, हानि। तो हमने पटलित क्रॉड ली, लोहे की पत्तियां ली, एक के ऊपर एक रखते चले गए, एक मोटी सी क्या बना ली छड़, अब इस पर तांबे के तारों को हमने क्या कर दिया, लपेट दिया, लपेटते समय ध्यान रखा तांबे का तार मोटा होना चाहिए जिससे प्रतिरोध का मान लगभग नगण यानी शून्य हो जाए, फेरे क्या होने चाहिए, बहुत अधिक, अगर ट्यूबलाइट की चौक कुंडली उठा के देखोगे बजनी होगी वो ट्यूबलाइट के बीच में जो लगी होती, क्योंकि उसमें नर्म लोहा भरा, नर्म लोहे की क्रॉड के ऊपर तांबे का तार बहुत सारा लिपटा हुआ है, बहुत सारा तोड़ों से तांबा का तार निकलेगा उसमें, अगर अच्छी कॉइल होगी, नहीं तो एल्यूमिनियम वगैरह का भी प्रयोग कर लेते, लेकिन तांबे का तार बहुत सारे फेरे होंगे और एक पाउडर सा भरा होगा, इतनी चीज़ें होंगी उसमें बस, तो उसमें केवल एक कुंडली दी, पाउडर इसलिए कि वो कहीं टच अच ना हो, सब चीज़ों को बचा, तो इसमें हमने क्या किया, नर्म लोहे की एक क्या ली क्रॉड, इस क्रॉड पर तांबे के पृथक के तारों को, मोटे तारों को क्या कर दिया हमने, लपेट दिया, तांबे के कौन से तारों को लपेट दिया हमने, मोटे तारों को, इस पर क्या कर दिया, लपेट दिया, जी लपेट दिया, इन्हें लपेटते चले जा रहे, ठीक है, वो कट गए ना तो अच्छे नहीं लगे, तांबे के तारों को इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लपेट दिया, इस प्रकार जब मोटा तार होने से आर का मान कम हो गया, एल का मान क्या हो गया, अधिक, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। अब जब इतनी हुई तो इसकी प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर से निकलेगी, टेन फाइव, टेन फाइव बराबर एक्सएल अपॉन जेड आर, या देखें हम इससे, जे बनेगा फाइव बनेगा, जे एक्सएल आएगा, जे आर आएगा, जे कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, जेड, तो शक्ति गुणांक क्या होगा इसका, कॉस फाइव बराबर आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यानी आर अपॉन, अब ध्यान से सुनना, यदि आर का मान लगभग बराबर किसकी हो जाए, जीरो, तो कॉस फाइव का मान
शून्य हो जाएगा, क्यों आर जीरो रख दो, कॉस फाई का मान जीरो। शक्ति छ पी बार बराबर बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई पड़ा, कॉस फाई का मान जीरो रख दो, औसत शक्ति छ क्या हो जाएगा, यानी ये आदर्श परिपथ बन गया, अच्छी चौक कुंडली बन गई, ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। तो हम चौक कुंडली में ऊर्जा की हानि नहीं करनी हो, धारा की प्रबलता को हम क्या कर देंगे, बदल सकते। तो इसमें एल एक परिपथ, लेकिन एल अकेला बना ही नहीं सकते आप। हमने कहा ब्रह्मांड में ऐसा तार नहीं जिसमें प्रतिरोध ना हो, जिस दिन ऐसा तार बन जाएगा उस दिन समझ लो ऐसा मीटर बन अपन विद्युत धारा प्रयोग करेंगे और ऊर्जा की हानि नहीं होगी, विद्युत मीटर आगे नहीं बढ़ेगा, बिल नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, आर तो होगा जब तार लपेटा तो इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो इस प्रतिरोध को कम करना था, कम करने के लिए क्या किया, मोटा तार ले लिया, प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम। फेरे बहुत ज्यादा कर दिए, एल का मान बहुत ज्यादा उच्च हो गया, एल बहुत बड़ा हो गया आर बहुत, तो ऐसी स्थिति में लगभग लगभग ये एल युक्त परिपथ बन गया, और एल युक्त परिपथ के लिए जेड इतना होता, आर एल परिपथ के लिए टेन फाइव शक्ति गुणांक निकाल लिया, आर अपॉन जेड शक्ति गुणांक जीरो हो जाएगा, क्यों आर का मान लगभग नगण्य है, यानी आर बहुत छोटा है, छोटा है किसकी तुलना में, तो आर जीरो हो गया। तो ऐसे में औसत शक्ति छः। अब एक बात आई, चौक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा पे ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डीसी पर नहीं, दिष्ट धारा पर नहीं, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान क्या होता, जीरो। ओमेगा का मान जीरो तो एक्सएल बराबर क्या होता, ओमेगा एल, एक्सएल जीरो, आर जीरो था पहले, एक्सएल और जीरो हो गया डीसी में, ये परिपथ में शक्ति गुणांक वगैरह सब बेकार हो गए, सब प्रतिवादा वगैरह सब खत्म हो गई, तो ये परिपथ ही नहीं बचा। तो यानी ऐसे इस कुंडली को हम डीसी में प्रयोग नहीं कर सकते, सवाल मिलेगा डीसी में तो डीसी के लिए ओमेगा का मान क्या होता, जीरो, डीसी में प्रत्यावर्ती धारा के चक्कर नहीं होते, लौट के एक निश्चित समय बाद वहीं नहीं आती है, तो डीसी में ओमेगा का मान जीरो, तो एक्सएल का मान जीरो, एक्सी का मान अनंत, क्यों बना पॉन जीरो, एक्सी अगर निकालना होता तो कैसे निकलता, बना पॉन ओमेगा सी, बना पॉन जीरो अनंत हो जाता, तो एक्सी का मान क्या हो जाता, अनंत, तो धारिता अनंत हो जाती, तो भरती रहती धारिता, आगे कभी डिस्चार्ज नहीं होता वो, तो एक्सी तो खैर इसमें है नहीं, ये है चौक कुंडली। स्वप्रेरण किया, एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर दे रहा है, बिना प्रत्यावर्ती धारा छः के प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें नरम लोहे की क्रॉड होती है, इस क्रॉड को हम, इस क्रॉड पर तांबे के मोटे तार के अधिक फेरे कर देते हैं, मोटा तार होने के कारण प्रतिरोध का मान कम और फेरे अधिक होने के कारण प्रेरकत्व बहुत उच्च हो जाता है, इस क्रॉड को इसके अंदर बाहर खिसकाया जा सकता है, हम चाहें इसको खिसका के इसके बदल सकते हैं, मुझे अब जो हमारे ट्यूबलाइट में होती है वो फिक्स होती, क्योंकि उसमें फिक्स चाहिए हमें, इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जेड इतनी, टेन फाइव इतना, तो शक्ति गुणांक जे आ गया, तब शक्ति गुणांक कितना है, प्रतिरोध का मान लगभग नगण, तो औसत शक्ति छः का मान शून्य, यानी इसमें प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाएगी। वाटहीन धारा की परिभाषा बताई थी, वह परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर औसत शक्ति छः का मान शून्य, उस धारा को वाटहीन धारा कहते। ठीक, अगला टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर।